बहुत हो चुका चूहे बिल्ली का खेल। कैप्टन सोनिया खन्ना फ्रॉम आर्मी इंटेलिजेंस। तुम क्या हम लोगों को बेवकूफ समझती हो? तुम जैसे आर्मी वालों को हम अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, और हमारा मकसद कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके अपने पाकिस्तान में शामिल करना है, और इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब जरूर होंगे। मैं तेरा वो हाशिर करूंगा कि आज के बाद कोई हिंदुस्तानी फौजी कश्मीर की सरहद की निगेबानी नहीं कर पाएगा। जाने दो, मैं सुसाइड स्क्वाड से हूं, ह्यूमन बॉम्ब, अपने आप को ब्लास्ट कर दूंगा। हम सबको जाने दो मेजर, हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे जन्नत कश्मीर जिस पर पाकिस्तान का हक है। अपने साथियों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे मेजर, सिर्फ तुम। मैं कहता हूँ रुकता मेजर, आगे मत बढ़ना। मुझे माफ कर दो मेजर साहब, मुझे माफ कर दो मेजर साहब, मेजर साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हमारे कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करेगा? तुम्हारे मुल्क को तो बॉम्ब स्क्वाड बनाने पड़ते हैं, लेकिन हमारा हर फौजी अपनी हथेली पर तुम्हारी मौत लेकर घूमता है। कैप्टन अरशद खान। यस सर। अरेस्ट देम ऑल। क्या काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। साला हमारे अखाड़े में आके हम ही को चुनाव नहीं।
इसकी मौत सोचनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। वेरी वेल आई सी यू गाइस नेक्स्ट फाइट। ओके हैव यू चेक्ड इन द मैच? हु सेड दैट? आई सेड इट। यू आर अ चीट। आर यू क्रेजी? You have put grease in the eyes of my son. What proof do you have? Where's your proof, huh? If I had the proof, you would have been behind the bars. Look who's talking, huh? You calling me a cheater? You people don't even know how to lace up the gloves. I'm not the cheater. You're the cheater. This man's accusing me of cheating. This guy has a 15-year ban for doping charges, and he's calling me you a cheater. You greedy dog. You can't do. Fix the mess with me. तूने मेरे पापा का छुआ कैसे? हाँ, मेरे पापा का छुआ कैसे तूने? How dare you touch him? अरे तूने मेरे पापा का छुआ कैसे? छुआ कैसे तूने? हाँ, why? How dare you touch him? How dare you? Kill him! मार दूँगा तुझे मैं, यही मार दूँगा तूने। I'll kill him! I'll kill him! Let's go! मैं तुझे यही कर दूंगा, इधर अभी। I will kill you. I can kill you right here, but I'm no emotional fool like you. Take the law in my own hands, but I'll kill you in the ring, and I'll make it official. Good, good. बहुत अच्छी बात बोली तूने। रिंग में ही मारूंगा तुझे, क्योंकि वही मुझे अपने भाई का हक जीता है, उसकी बेल्ट, मेरे डैड का ऑनर, और मुझे सुकून मिलेगा तेरी मौत से, जब मैं तुझे मार दूंगा, and that will be official, official. Official death. Yeah. अंगद, ये क्या क्या कर रहे हो बेटे तुम? हाँ, तू बॉक्सिंग करेगा उसके साथ? नहीं बेटे, हम बॉक्सिंग नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे उसके साथ। I'll drag him to the court. ये आप कह रहे हैं पापा? आपको इंसाफ मिला? नहीं ना अंगद, हम उसके साथ बॉक्सिंग में नहीं जीत सकते। He's a world champion, और तुम्हें बॉक्सिंग छोड़े कर्सा हो गया बेटे, और ये कोई सड़क पर लड़ने वाली लड़ाई नहीं है। I know it's boxing, पापा। Boxing needs stamina. I have stamina. You have stamina, huh? Come, come on, come on, show me. Let me see, कितना stamina है तुम्हारे अंदर? बस, निकल गया तुम? 12 punches में ये हालत है तुम्हारी? 12 राउंड कैसे लड़ोगे उसके साथ? पापा, मेरे पास एक महीना है, मैं प्रैक्टिस करूंगा। एक महीने में वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी नहीं हो सकती बेटे। I will do it, पापा, I will do it. Don't talk like a child. अरे, तेरी उम्र में आके तो बॉक्सर रिटायर हो जाते होते होंगे पापा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस आदमी ने मेरे भाई को चीटिंग से हराया, that's all. अंकित, तूने क्या मेरे खिलाफ जाने की जिद पकड़ रखी है? मेरा एक बेटा मौत से जूझ रहा है, मैं दूसरे को मौत के मुंह में कैसे भेज दूं? बेटे, तू नहीं लड़ेगा बेटे। For God's sake, don't fight. Don't fight. I will fight, Papa. You won't. I will fight, Papa. You won't. I will fight. You won't. I will fight. Shut up. I will fight. Go ahead, मरो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, die, die.
क्या कर रही है तुम्हें? अरे ये सब सामान क्यों निकाल रहे हैं? क्या बात है अजय, इतना बेचैन क्यों लग रही तुम्हें? मेरे को तुमसे डर लग रहा है अजय। आज आज तुम्हें अजय नहीं लग रही, एकदम पागल जैसी दिख रही तुम। हाँ मैं पागल हो गया हूं, इस दुनिया ने पागल बना दिया है मुझे। इसने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया, हमेशा खेल खेलती रही है मुझसे, जिस जिस को चाहे एक एक करके सब कुछ छीन लिया मुझसे। पहले मेरे माँ बाप को, फिर मेरी बहन को, एक जिंदा लाश बनाकर फेंक दिया मुझे। उस लाश में जान डाली तो प्रिया ने, पर आज ये दुनिया मेरा प्यार मुझसे छीन लेना चाहती है। मैं नहीं खोऊंगा उसे, वापस लाऊंगा उसे, वापस। कहां से, किन लोगों से? अच्छी दुनिया में ढूंढेंगे, वो लोग कौन हैं, प्रिया को कहां रखो हैं, कुछ मालूम है तुम ना? वो आदमी कहां जिसे मैंने पहचाना था? एक हादसे में मर गए उन्होंने। कैसे? वो लॉरी ड्राइवर कहां है? तुझसे कोई मिलने आया है? अब उनसे कौन है? देखिया इन्हों तो वेलो भाई के आदमी है। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मेरे को मारा, वेलो भाई को मारा? नहीं अजय नहीं, मेरे को मत मारो, मैं सब बताता हूँ। ये सच है कि ये सब मैंने ही करवाया, लेकिन वो हरामजादा देवा ने मेरे को ही डबल क्रॉस कर दिया। अब वो छोकरी को कहाँ पे रखा है मेरे कुछ नहीं मालूम, मैं खुद भी उसको ढूंढ रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ अजय, मैं सच बोल रहा हूँ। एक दूसरे की जान देते थे और आज एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है, क्या यही दोस्ती है? हाँ, लोगों की हिफाजत करने की कसम खाई थी तूने, तबाही फैलाने वालों को तबाह करने का वादा किया था तूने, इस देश की बेटी से जन्म लिया तूने और आज तू इसी देश को तबाह कर देना चाहता है। ये देश मेरा नहीं, तुम लोगों का है। सिर्फ सवाल करना आसान है, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है। मेरी जगह अगर तुम होते ना तो तुम भी वही करते जो मैंने किया है। मेरी बहादुरी, मेरे फर्ज, मेरे ईमान, इनके बदले में क्या मिला पता है तुझे? मेरी खुशी, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें सब लहूलुहान कर दिए गए, बम रख दिया गया यहां यहां, और बम ना काम करने में माहिर मैं,
अपने दिल पे रखे बम को नाकाम नहीं कर सका। खतरे के वक्त सबसे अहम चीज होती है बम की डीकोडिंग करना। हम आरडीएक्स की डीकोडिंग के बारे में कल चर्चा करेंगे। क्लास डिसमिस्ड। आज आप खामोश रहिए। आज हम आपकी नसीहत नहीं सुनने वाले। आज खून बहेगा, जरूर बहेगा, जरूर बहेगा, जरूर बहेगा, जरूर बहेगा, जरूर बहेगा। खून तो जाओ बहा दो, खून कत्ल कर दो सबको, चुन चुन कर मारना, लेकिन मारने से पहले एक बार सोचना किसको मारने जा रहे हो भाई। उन्हें जिन्हें तुम चाचा बुआ भाई कहते हो, ठीक है तो जाओ, झगड़ा खत्म करना है ना, झगड़ा खत्म करना है तो खत्म कर दो सदियों पुराने रिश्ते। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लाशें बिछा दो, वो तुम्हें मारेंगे, तुम उन्हें मारोगे, फिर क्या होगा? खून खराबे से कोई झगड़ा खत्म हुआ है? दिलों में नफरत और हाथों में हथियार लेकर कोई मसला हल हुआ आज तक? रफीक तुम बोलो, मुख्तार, इकबाल, नहीं, मसले हल होते हैं प्यार से, विश्वास से, अमन से, और ये सब यहां पैदा करो, यहां दिलों में। मैंने बहुत खून खराबा देखा है। बंटवारा देखा है, आज तक ताजा है वो जख्म। हम तो उस दर्द को सह सके, तुम लोग नहीं सह पाओगे, नहीं सह पाओगे मेरे बच्चों। खुदा के लिए जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। खड़े रहो ऐसे ही सर झुकाकर, बहाओ आंसू और देखो नजारा। पता है कौन थे ये? रहनुमा थे हमारे, इनका बचना बहुत जरूरी था। अरे कुर्बान हो जाते तुम सबके सब इनकी जिंदगी के लिए। हज पर जाना चाहते थे, आखिरी ख्वाहिश थी इनकी, वो भी पूरी नहीं हो पाई। जो इंसान हमेशा मोहब्बत और अमन की बातें करता था उसे भी मार दिया। किस लिए? थोड़ी सी जमीन के लिए? दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मांगते हैं सब दे दो, लेकिन मुझे इनकी जिंदगी चाहिए वापस। मांगो, मांगो उनसे वापस। दे सकते हैं वो? नहीं। माफ कीजिए शाह साहब, आपका रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आपके रास्ते पर चलकर मैं अपने और लोगों को खोना नहीं चाहता। खतरा! हर शहर में खबर कर दो, बच्चों और औरतों की हिफाजत करनी होगी, सबको बताओ खतरा है।
उनकी मौत तो देखी मैंने, पर पूरे मुल्क में जो हुआ, जो हो रहा है, तुम तो जर्नलिस्ट हो, तुम्हें तो पता होगा। बताओ ऐसा क्यों है? क्यों? हमारी कौम का दुश्मन है सत्यानंद और रहनुमा शाह आलम। अब आर पार की लड़ाई होगी और आखिरी सांस तक मैं अपनी कौम के लिए लड़ूंगा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई नहीं। बेहतर होगा तुम मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो। नहीं तो क्या? हाँ, मार डालेगा। अरे तू क्या मारेगा, मैं मार डालूंगा तुझे। दूसरों को तकलीफ देकर अपनी तकलीफ कम करना चाहता है तू? अपने लोगों की मौत का बदला बेकसूर लोगों को मार कर लेना चाहता है तू? नफरत भरी हुई है, अरे नफरत भरी हुई है यहाँ पर, आग लगी हुई है यहाँ पर। तेरी वजह से मेरा बाप जेल में है, दादी माँ 24 घंटे रोती रहती है, सरीते रह रह कर चीख उठती है, तो क्या मैं भी बंदूक उठा लूं, मार डालूं सब लोगों को? कौम बचाने चला है? अरे इस तरह कौम नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों में भी सैनिक की हद होती है। मजहब, कौन सा मजहब सिखाता है एक दूसरे से नफरत करना, आदमी आदमी के बीच में दीवार खड़ी कर डालना, दूसरे धर्म के लोगों को काट डालना? अरे जाके किसी मेहनत करने वाले आदमी से पूछ, किसी मजदूर से पूछ, उसे ना तो मंदिर से मतलब है ना मस्जिद से, उसे सिर्फ दो वक्त की रोटी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मरना मारना नहीं चाहते। इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए दूसरों की लाशें जला रहे हैं वो लोग? जब तेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी उनके शिकंजे में फंस सकता है तो फिर क्या होगा हमारे देश का? हाँ, तू क्या समझता है तेरे साथ जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार सत्यानंद है? नहीं, शाह आलम भी है, वो दोनों एक हैं। तू बॉम्ब एक्सपर्ट था, उन्हें तेरी जरूरत थी, तुझे हासिल करने के लिए उन दोनों ने बेहद चालाकी से जाल बिछाया। तुझ तक पहुंचने के लिए मैंने झूठ बोला कि जेसी हॉस्पिटल में मैं बॉम्ब रखने वाला हूं, मुझे यहां सत्यानंद ने बुलाया। तुझे किसने भेजा, सत्यानंद ने या शालम ने? इसका क्या मतलब हुआ कि उन दोनों के सिर्फ नाम अलग हैं, लेकिन मकसद एक है, इस देश की बर्बादी। वो मजहब की अफीम खिलाकर हिंदुस्तान को अपाहिज बना देना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ उनके हाथ की कठपुतलियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ बंदूक के ताने खड़े हैं, मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर। लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आजादी की एक और लड़ाई लड़नी होगी हमें, इस देश को सत्यानंद और शाह आलमों से बचाना होगा हमें, अपनी एकता, अपनी ताकत, अपने जोर का एहसास दिलाना होगा हमें। और तू मेरे साथ चलेगा।